रेडियो सदाएहरी जम्मू कश्मीर है तारक महमूद या तनाज कश्मीर के पुरामन हाल की राह रुकावट है और मोदी की जेर क्यादत फसदूमत अगस्त दो हजार उन्नी देर कानूनी इकदाम थी यह गल साबत होंगी है की मोदी हकूमत को अलाकई अमन की न कोई परवाह है और न इस खिते ਜਿ বাসਣਾ ਵਾਲੇ اربਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ पाकिस्तान का वजूद भारत की नज़र बच पहले त्याड़े थी खड़क रहा है जिस वास्ते भारत चरोकना पाकिस्तान दहशतगर्दी की पुष्टपनाई कर रहा है जनूबी एशिया को नुकसान पहुंचाने वास्ते भारत अफगान सरजमीन को भी पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल आ रहा है अपनी अमन दुश्मन मनसूबिया की तकमील वास्ते अफगानिस्तान को एक प्लेटफार्म के तौर उत्ते इस्तेमाल करता आ रहा है भारत सोन अफगानिस्तान बदामनी और जंगी सूरतयाल का मुझ ज्यादा फायदा चाहिए है लेकिन हूँ भारत अफगानिस्तान अपना असर रसूख और मुझ बड़ी ਮਾਇਕਾਰੀ ਕੋ ਡੁੱਬਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਬਾਨ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ afghanistan ਵਿੱਚ ਤਾਲਬਾਨ ਦੀ پیش ਕਦਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਹਾਵਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਲਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ afghanistan ਵਿੱਚ ਤਾਲਬਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਵਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਫਰਹਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ पाकिस्तान की कोशिश है कि अफगानिस्तान समेत खिते में अमन का क्याम जल्द ही मुमकिन हो सके, और इस सिलसिले में रहनुमाई भी कर रहा है इससे बरक्स भारत अपने गुवाढ़ी मुल्कों विच मसरूफ है जेड़े उसते दे गुमांढ़ियों दे बिगड़ते हुए ताल्लुकात वाजह सबूत हैं भारत की तकरीबी सरगर्मिया और अपने गुमांढ़िया खिलाफ उसकी दुश्मनी की वजह जनूबी एशिया का अमन दावे दुनिया को बार बार जनूबी एशिया भारत के दे दहशतगर्द और गैर जिम्मेदार किरदार थी वाकफ और पाकिस्तान दहशतगर्द दे फैलाने में भारत के मुलावस होने के नाकाबले तरद सबूतों उ मुश्तमल डोजियर भी जमा करवाए हूँ वक़्त आ गया है कि दुनिया खिते अमन की जमानत वास्ते भारत के मनफी तर्ज अमल का सख्त नोट स्किन है भारत को न सिर्फ दहशतगर्दी की माली मावनत करने वाले मुल्क ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਲਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮਨੀ ਫੈਰਾਣੇ ਉਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ